अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल न्यू रेस्टोरेंट ओपनिंग के हवाले से या होटल ओपनिंग के हवाले से। अगर आप ऑनर हैं या आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिला है एज ए जनरल मैनेजर, एज ए AGM या रेस्टोरेंट मैनेजर, आपको किसी ऑनर ने हायर किया है, तो आपने सबसे पहले किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है? सबसे पहले तो हर एक बंदे को मालूम है कि स्टाफिंग के बारे में होता है कि स्टाफिंग कैसी करनी है। जी, अगर आप स्टाफिंग कर रहे हैं तो आपने स्टाफिंग ऐसी करनी है, उसमें आपने मिक्स स्टाफिंग करनी है, जैसा कि क्वालिफाइड स्टाफ और फ्रेश स्टाफ। इसमें आपको ये फ़ायदा होगा, जो आपका क्वालिफाइड स्टाफ होगा वो आपका फ्रेशर स्टाफ को ट्रेन करेगा। ट्रेनिंग आपने ख़ुद भी करनी है, आपने ख़ुद भी ट्रेनिंग देनी है स्टाफ को, और अपने जो सीनियर स्टाफ रखा हुआ उनको आपने शेड्यूल बना के दे देना है या ट्रेनिंग टॉपिक्स बना के दे देने, जिसके बेस के ऊपर वो डेली बेस पे ट्रेनिंग करेंगे स्टाफ की। स्टाफ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में ही आपने ये काम शुरू कर देना है। आपके 10 मिनट की ट्रेनिंग हो, आधे घंटे की ट्रेनिंग हो, 1 घंटे की ट्रेनिंग हो, स्टार्टिंग से आपने ट्रेनिंग के ऊपर काम शुरू कर देना है। स्टाफिंग की बात होगी, स्टाफिंग आपने कोशिश करना है कि जो आप ट्रेंड स्टाफ रखें वो बिल्कुल प्रोफेशनल हो, अनप्रोफेशनल लड़के आपने नहीं रखने। इंटरव्यू करें, प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू करें। इंटरव्यू करने का एक सिस्टम बनाएं, उसकी SOPs बनाएं कि आपने इंटरव्यू करके स्टाफ को कैसे सिलेक्ट करना है। अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी है तो आपको प्रॉब्लम्स कम आएंगे। देखें, ये कोई आम सी चीज़ नहीं है कि लड़का आपके पास आया है, आपने उसका सरसरा इंटरव्यू लिया और उसे जॉब पे रख लिया है। प्रोफेशनलिज्म यूज़ करें, इंटरव्यू का एक सिस्टम रखें, जॉब पे रखने के लिए स्टाफ को एक सिस्टम बनाएं, किस सिस्टम के थ्रू आपने स्टाफ को रखना है, स्टाफ को महसूस हो कि वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर हो रहा है। उसके बाद आ जाता है आपका यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म आपने ट्रेनिंग से ही, स्टार्टिंग से जो ट्रेनिंग होनी है उसी में आपने कंप्लीट परफेक्ट यूनिफॉर्म स्टाफ को देना है। स्टाफ के यूनिफॉर्म की भी आपने SOP बना लेनी है कि स्टाफ के यूनिफॉर्म की SOP क्या है। जब SOP आप सारे स्टाफ को ट्रेन करते हैं तो सारा स्टाफ आपका SOP के थ्रू यूनिफॉर्म यूज़ करेगा। ग्रूमिंग स्टैंडर्ड की आपने SOP, वही यूनिफॉर्म में आ जाता है। ग्रूमिंग स्टैंडर्ड की भी आपने SOPs तैयार कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है इक्विपमेंट। जब आप स्टार्टिंग में इक्विपमेंट रिसीव करते हैं, कोई भी इक्विपमेंट रिसीव करते हैं, कटलरी, क्रॉकरी, यूनिफॉर्म, लिनन, कुछ भी आपने स्टार्टिंग में रिसीव करना है, रिसीविंग की स्लिप्स आपके पास आ जाएगी। आप अपने ट्रेंड स्टाफ को ड्यूटी लगाएं किसी की, जिसने सेपरेट सेपरेट चीज़ों की इन्वेंट्री करनी है उस टाइम पे जब आपने रिसीव करना है। A to Z चीज़ें आपके पास प्रॉपर काउंटिंग होनी चाहिए, ताकि आपके अगर सीनियर या ऑनर आपसे पूछते हैं, आपको ऑन द स्पॉट आप लैपटॉप, डेफिनेटली हर एक के पास लैपटॉप तो है, लैपटॉप के अंदर प्रॉपर उसकी इंट्री करें। स्टाफिंग के बाद इक्विपमेंट आ गई, जो आपने रिसीव करना है, प्रॉपर तरीके से उसकी इन्वेंट्री करें, उसको इंटर करें। एक भी चीज़ आप अगर आउट करते हैं सिस्टम में, उसको ज़रूर आउट करें, ताकि आपके पास काउंट बराबर रहे, आपके नॉलेज में रहे कितना सामान आपने रिसीव किया है, कितना आउट हो गया है। तीसरा नंबर पे आ जाता है प्रोडक्ट नॉलेज। आपको हर एक चीज़ का प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए बिल्डिंग के हवाले से, कौन सा एरिया कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक स्विच कहाँ पर है, क्लिनिंग का सिस्टम, आपने A to Z चीज़ों के बारे में जानना है। आपका जनरेटर कहाँ पे है, आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कोई भी इक्विपमेंट, मशीनरी के बारे में आपने अच्छी तरह से उसको जांच लेना है, उसकी ऑन ऑफ का तरीका, उसके इमरजेंसी ऑन ऑफ का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। उसका जितना भी सिस्टम है इसके ऊपर भी आप SOPs बनाएं और उसके हिसाब से चलें। चौथी बात आ जाती है जी कीज़। कीज़ का एक बॉक्स बनाएं अपने पास, आपके पास कीज़ का एक बॉक्स होना चाहिए। डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट रूम्स हैं, कोई भी रूम की मास्टर कीज़ कम अज़ कम आपके पास होनी चाहिए, आपके ऑफिस में रहनी चाहिए। मास्टर की को आप अपने पास रखें, उसका बॉक्स बनाएं, बॉक्स के अंदर आपकी सारी मास्टर कीज़ होनी चाहिए।
उसके बाद आ जाता है आपका स्टाफिंग के हाउसकीपिंग स्टाफ आपका प्रॉपर होना चाहिए। हाउसकीपिंग और डिश वॉशिंग को अगर आपका आउटलेट छोटा इसको मर्ज कर दें, इसके ऊपर आपने एक इंचार्ज जो इन दोनों आउटलेट को कवर करे इंचार्ज आपने ज़रूर रखना है, जिससे आप एक एक चीज़ छोटी छोटी पूछ सकें, क्योंकि हर एक स्टाफ के पास जाके आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो एक आपने इन दोनों के ऊपर कंबाइन इंचार्ज रख देना है, जो डिश वॉशिंग एरिया को भी देखे और आपके क्लीनिंग एरिया रेस्टोरेंट की क्लीनिंग को भी देखे। ये मैं छोटे रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ, होटल्स की बात नहीं कर रहा, होटल्स में डिफरेंट होते हैं इंचार्ज, रेस्टोरेंट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए एक इजी हो जाएगा। अब मैं हाउसकीपिंग के हवाले से क्लीनिंग की इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक एक कॉर्नर आपके आउटलेट का क्लीन होना चाहिए। डस्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि डेली बेस पे होती है, वो आप एक एक स्टाफ को बुला के करवाने से बेहतर है आप एक इंचार्ज रखें जो ये पूरी चीज़ें आपकी देखे और आपको रिपोर्ट करे, ताकि अगर आपको कुछ मिस्टेक्स नज़र आती हैं, कुछ कमी पेशी नज़र आती है, आप उसे बता के वो क्लीन करवा सकें। डिश वॉशिंग का इंचार्ज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रेकेज का नुकसान होता है। तो ब्रेकेज का नुकसान कंट्रोल करने के लिए अगर आपने बिल्कुल ही फ्रेश स्टाफ रख लिया है डिश वॉशिंग में, डजंट मैटर, क्योंकि फ्रेश स्टाफ से डिश वॉशिंग चल सकता है। लेकिन अगर उसके ऊपर आपने इंचार्ज रखा हुआ है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रेकेज वॉशिंग एरिया में होती है, डिश वॉशिंग एरिया में होती है। आपकी वॉशिंग मशीन्स लगी हुई हैं या आपके रैक्स हैं, जैसे भी है, ठीक है, सिस्टम आपने फॉलो करना है। आपकी एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अगर आपका जो इंचार्ज है वो जानता है, अगर नहीं भी जानता है, उसने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, तो आप उसको ट्रेन करें डीको सिस्टम फॉलो करने के हवाले से। और डिश वॉशिंग एरिया में जितना आपसे हो सके ब्रेकेज कंट्रोल करनी है, ब्रेकेज कंट्रोल करने के लिए आपने उसको ट्रेन ज़रूर करना है। उसके बाद आ जाता है आपने लॉन्ड्री वॉशिंग या लॉन्ड्री वॉशिंग का सिस्टम, जिसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल रेस्टोरेंट्स को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब आप लॉन्ड्री वॉशरमैन रखते हैं, लॉन्ड्री मैन रखते हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से वॉशिंग नहीं देते, प्रेसिंग नहीं देते, डेफिनेटली आपके रेस्टोरेंट का इमेज नहीं ठीक हो पाता। इस हवाले से आपने इंटरव्यूज़ करने हैं लॉन्ड्री वालों को, काफ़ 8-10 लॉन्ड्री वाले जो भी आपके रेस्टोरेंट के अराउंड हैं, आपने उनको बुलाना है, प्रॉपर तरीके से आपने उनका इंटरव्यू करना है, उनको सैंपल देने हैं वॉशिंग के लिए, प्रेसिंग के लिए, जब आपके पास लेके हैं उनसे रेटिंग प्रॉपर तरीके से करनी है। कोशिश करें ऐसा पर्सन आपके पास आए जो लॉन्ग टर्म आपके पास चल सके। इसमें देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर पैसा आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा वॉशरमैन लॉन्ड्री वाला मिल जाएगा, अगर कम पैसा इस्तेमाल करेंगे वही स्टेन आएंगे, प्रेसिंग अच्छी नहीं आएगी, वो इशू आपके चलते रहेंगे। यूनिफॉर्म का, अपना स्टाफ का यूनिफॉर्म अच्छे तरीके से नहीं आएगा, स्टाफ वेल ग्रूम्ड नहीं हो सकेगा, तो ये इशू आपको आएंगे। उसके बाद आ जाता है जी आपका फूड कास्ट के हवाले से। देखें स्टोर मैन या परचेज मैन आपने परफेक्टली रखना है, प्रोफेशनल रखना है। ऐसे नहीं है आप सोचें कि आपके जानने वाले हैं, आप उससे काम चला लेंगे, ऐसा रेस्टोरेंट्स में नहीं होता। आपने प्रोफेशनल परचेजर रखना है, जिसको पता हो कैसे परचेज़ करनी है चीज़ें। डेफिनेटली आपने ख़ुद भी उस चीज़ को नज़र रखना है कि एक चीज़ अगर परचेज़ कर रहे हैं ज़्यादा बल्क में ना करें, कम क्वांटिटी में करें, ताकि आपके स्टाफ को भी पता हो कि कम चीज़ें आ रही हैं, उसके यूज़ जो है वो एक बैलेंस से होगा, कम से कम यूज़ होगा उसका। बिन कार्ड्स वगैरह का करें, इन्वेंट्री स्टोर की इन्वेंट्री होनी चाहिए। एक भी चीज़ आपके स्टोर से इशू होती है तो कम से कम आपके नॉलेज में हो, अगर एक चीज़ इशू हो के गई है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होना है, ये बहुत ज़रूरी है नए रेस्टोरेंट के लिए। तो जो भी चीज़ आप स्टोर से इशू करवाते हैं या आपका स्टोर मैनेजर इशू करता है, तो आपके नॉलेज में जब रिपोर्ट आती है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ताकि आपको जो आपके एक्सपेंस हैं उसको कंट्रोल किया जाए। तीसरी बात आ गई आपके लेआउट के हवाले से। डेफिनेटली प्रोफेशनल स्टाफ आपके पास होगा, आपका लेआउट जो आपने करना है, सीटिंग कैपेसिटी का करना है, जो भी करना है उसको अच्छे तरीके से करें।
आपकी इक्विपमेंट जो आपने यूज़ करनी है, सिटिंग चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, उसके ऊपर जो लगा हुआ सेटअप है प्रॉपर तरीके से, अगर आप इंचार्ज बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट मैनेजर रखते हैं, तो आपके रेस्टोरेंट मैनेजर को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसने आपको, आप रेस्टोरेंट के अंदर इंटर होते हैं एज ए इंचार्ज, एज ए जनरल मैनेजर, एज ए जीएम, अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर इंटर होते हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नज़र आनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी आपको नज़र आता है तो आप अपने रेस्टोरेंट मैनेजर को पकड़ें, उसे बताएं, उसको अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप खुद उससे ट्रेन करें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जब आप टीम बनाते हैं, टीम आपने ऐसी बनानी है जो कोशिश करें आपके साथ लॉन्ग टर्म में चले, तो आप अपना जो प्रोसीजर है वो ऐसा होना चाहिए, जब आपने इंटरव्यू लेने हैं तो उसी टाइम आपने डिसाइड करना है कि आपका स्टाफ किस लेवल का है और किस कैपेसिटी का है, उसकी आपने वीक पॉइंट देखने हैं कि उसके वीक पॉइंट क्या हैं, उसको एडजस्टमेंट करना है ताकि स्टाफ आपके साथ लॉन्ग चल सके। एक और पॉइंट जो हम मेंशन करेंगे यहाँ पे, स्टाफ अकोमोडेशन अगर आप दे रहे हैं, स्टाफ अकोमोडेशन के हवाले से मेक श्योर यू हैव टू कीप 1 पर्सन इन स्टाफ अकोमोडेशन हु विल टेक केयर, जो आपकी स्टाफ अकोमोडेशन है उसकी टेक केयर करे, उसके पानी का अरेंजमेंट हो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से, उसकी क्लीनिंग का अरेंजमेंट हो, उसकी सेफ्टी का अरेंजमेंट हो, स्टाफ मिस यूज़ ना करे अकोमोडेशन को, किसी किस्म की ज़्यादा उसको गंदा ना रखे अकोमोडेशन को, तो अकोमोडेशन के हवाले से इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाता है जी फूड, कैफेटेरिया। कोशिश करें, अगर आपका रेस्टोरेंट छोटा है तो फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आपका जहाँ पे स्टाफ फूड तैयार होता है, ठीक है अगर वो सेम किचन में तैयार होता है, लेकिन आपका स्टाफ फूड जहाँ पे स्टाफ खाना खाता है वो एरिया टोटली सेपरेट होना चाहिए, वहाँ पे जो इक्विपमेंट यूज़ होती है स्टाफ के लिए वो टोटली अलहदा होनी चाहिए ताकि स्टाफ गेस्ट की इक्विपमेंट यूज़ ना करे। ये बहुत ज़रूरी है, आपने जो स्टाफ की इक्विपमेंट है उसको टोटली डिफरेंट रखना है, कैफेटेरिया को डिफरेंट रखना है। यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेंशन करूँगा मैं, आपने स्टाफ को जो फूड देना है उसके ऊपर आपने मेन्यू बना लेना है, वीकली मेन्यू आपका होगा, डेली बेसिस गेस्ट को पता होना चाहिए आज आप उनको कौन सा फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टाफ फूड की टाइमिंग उस हिसाब से रखें स्टाफ के लिए कम्फर्टेबल हो, और जो आपका इंचार्ज है कैफेटेरिया का उसको पता होना चाहिए मैंने कितने से कितने मिनट के अंदर या घंटे के अंदर स्टाफ को फूड प्रोवाइड करना है, तो वो एक टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और खाना अच्छे तरीके से स्टाफ को प्रोवाइड करे। उसके बाद आ जाता है चेक एंड बैलेंस। आपने ये कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, ये स्टार्टिंग की हैं, अभी मैंने ऑपरेशनली कोई चीज़ें मेंशन नहीं की, ये स्टार्टिंग की चीज़ें हैं जो आपने इनका बहुत ज़्यादा केयर करना है, स्टार्टिंग की चीज़ें हैं ये। बी प्रोफेशनल, एक्टिव रहें, अपनी टीम को एक्टिव रहें, एक एक बंदे को आप एक्टिव तभी रख सकते हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से SOPs जानता है, उसने ट्रेनिंग की हुई है, प्रॉपर तरीके से स्टाफ को एंगेज रखें ऑपरेशन के अंदर। हाँ जी हाँ, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो रेस्टोरेंट्स के अंदर मोबाइल का यूज़ बिल्कुल अलाउ नहीं करना आपने। आपका छोटा रेस्टोरेंट है, बड़ा रेस्टोरेंट है, बड़े रेस्टोरेंटों में मोबाइल अलाउ नहीं होता स्टाफ को, लेकिन छोटे रेस्टोरेंट में भी आप स्टाफ को मोबाइल अलाउ करने की इजाज़त नहीं दें, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपका स्टाफ मोबाइल यूज़ करे। नोटिस बोर्ड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, नोटिस बोर्ड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर रेस्टोरेंट। न्यू रेस्टोरेंट है, आपने नोटिस बोर्ड 2-3 किस्म के नोटिस बोर्ड आप अपने ऑफिस के बाहर लगा लें, अपने ऑफिस के बाहर आपके नोटिस बोर्ड लगे होने चाहिए जिसके ऊपर आपकी सारी डेली अपडेट होनी चाहिए, मेमो आता है वो होना चाहिए, 86 आइटम नॉट अवेलेबल आइटम, स्पेशलिटी ऑफ शेफ, डेजर्ट शेफ है, डेजर्ट ऑफ द डे है, सूप ऑफ द डे है, सैलड ऑफ द डे है, मेन कोर्स ऑफ द डे है, या सब शेफ स्पेशल कोई आइटम है तो वो वहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा फास्ट एड बॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द रेस्टोरेंट और होटल और एनी काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री।
आपके आउटलेट के अंदर, आपके डिपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स का होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी किस्म की इमरजेंसी के लिए आप फर्स्ट एड बॉक्स का यूज़ कर सकें। थैंक यू वेरी मच, होप यू विल अंडरस्टैंड सम ऑफ द पॉइंट फॉर द न्यू रेस्टोरेंट। इन कमिंग डेज आई विल मेक द सेम वीडियो इन इंग्लिश एज वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।